युवेक अगले दिन सिटी जा रहा था। दादी उसके लिए खाने के लिए सब बना दिए थे और घर जैसे वहाँ पर तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा इसलिए वो बना दिए हैं बोलते हैं। वो सैड हो जाता है। कांगसुन सोई थी इसीलिए दादी उसे बुलाते हैं पर वो मना करता है और वो जाने वाला था। कांगसुन सब सुन रही थी और रो रही थी। नेक्स्ट दिन युवेक की मम्मी आर्टिकल देखते हैं और सीओ को कॉल करते हैं और वो भी एक स्टेटमेंट देते हैं, ये सब उनकी गलती थी, युवेक की नहीं थी। युवेक भी सब सुनता है और उसका मूड ऑफ था। वो कार से बाहर निकलता है और कांगसुन के बारे में सोच रहा था। फिर वो उसकी मम्मी के घर जाता है और उसकी मम्मी से सब स्टोरी क्यों बताए बोलकर गुस्सा हो रहा था। वो अपना पापा को खो दिया और उसकी मम्मी भी नहीं थी, वो सब फैमिली है, पर आप चॉइस क्यों करते हैं, सबने मुझे छोड़ दिया। उसकी मम्मी उसे सॉरी बोलते हैं। युवेक बोलता है आप उनको चॉइस किए पर आप कैसा है, आप एक स्टूपिड की तरह, ये सब बोलकर वो चला जाता है। सीओ ये सब प्रॉब्लम खत्म हो गया बोलकर वो आइलैंड पर युवेक को कॉल करते हैं। डोंग युवेक वहाँ पर है कि नहीं पूछता है, दादी यहाँ पर है बोलते हैं। नेक्स्ट दिन कांगसुन शादी के कपड़े पहनकर बाहर निकलती है और सब बहुत खुश थे। पार्क बोलता है सॉन्ग गाने के लिए युवेक को बुलाएंगे। ये सब सुनकर वो सैड हो जाती है, चोई भी उसे ही देख रहा था। नेक्स्ट दिन में डोंग और नामजो युवेक से मिलने के लिए आते हैं। वो दोनों सबसे मिलते हैं, डोंग नामजो को मिलवाता है, सब उसका तारीफ कर रहे थे, ये सुनकर वो बहुत खुश हो रहा था। डोंग युवेक कहाँ है पूछता है, दादी बोलते हैं वो कुछ दिन पहले ही चला गया है। दोनों युवेक यहाँ पर है सोचकर आए थे। डोंग बोलता है आप ही तो कल फोन पर बोले थे वो यहाँ पर है। ये दादी हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। वहाँ पर डोंगमान आता है इसलिए डोंग वहाँ से चला जाता है। नामजो को भी जाने के लिए बोलते हैं। कांगसुन काम कर रही थी, वहाँ पर नामजो आता है और युवेक के बारे में पूछता है। कांगसुन बोलती है वो चला गया है पर तुम लोग से नहीं मिला है पूछती है। नामजो उसे कॉन्टेक्ट करने का कोशिश कर रहा है पर वो फोन नहीं उठा रहा है और उसका रिसेंटली फैमिली प्रॉब्लम भी हुआ और उसके बारे में बताता है। उसके पापा नहीं है और उसकी मम्मी उससे झूठ बोलती थी। वो हमेशा टेंशन में रहता था और उसे अंधेरे में नींद नहीं आता था और उसकी मम्मी के बारे में बता रहा था, पर ये सब मैटर अब खत्म हो गया है। बाहर चोई सब सुन रहा था। नामजो बोलता है वो फर्स्ट टाइम अपना दिल किसी को दिया है वो तुम हो। कांगसुन भी बहुत सैड थी। वहाँ पर चोई आता है और वो उसका हस्बैंड है बोलकर रिंग दिखाता है। ये देखकर नामजो चौंक जाता है। चोई उसे जाने के लिए बोलता है तो वो अपना नंबर और युवेक का नंबर लिखता है और वो अगर मिलेगा तो मुझे कॉल करना बोलता है और दोनों चले जाते हैं। नामजो युवेक का रूम देखता है और वो इतना छोटा रूम में रहता था सोच रहा था और उसे ट्रू लव हुआ है। चोई ये सब सुनकर सैड हो रहा है। नेक्स्ट दिन युवेक का तबीयत ठीक नहीं रहता है, फिर भी वो ड्राइव कर रहा था और एक्सीडेंट होने वाला था। नेक्स्ट दिन कांगसुन चोई के पास आती है और उसे वो लाइक करती है और उसे वो ढूंढने के लिए जाएगी बोलती है और रिंग देकर चली जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सपना देख रहा था। तभी वहाँ पर कांगसुन आती है और वो खड़ी नहीं हो सकती है बोलकर पैकेट पकड़ा देती है। वो बहुत डर गया था। कांगसुन फिर से आती है और बाद में मिलते हैं, उसे कुछ बोलना है बोलकर चली जाती है। चोई ये सब क्या हो रहा है सोच रहा था। नेक्स्ट दिन वो जाता है, कांगसुन आती है और वो सपने में जो देखा था वही सोच रहा था, पर वो उसके लिए स्कार्फ लाई थी, वो उसे पसंद है बोलता है और पहनाने के लिए बोलता है, वो पहना देती है। चोई बहुत खुश था और रोने लगता है और उसे गले मिलकर थैंक यू बोलता है और गांव वालों को कांगसुन स्कार्फ दी है बोलकर चिल्लाता है। कांगसुन देखती है वहाँ पर युवेक का नंबर है, उसे वो जाकर फेंक देती है और चली जाती है। नेक्स्ट दिन युवेक अकेला था और टायर पंचर देखता है और गुस्से में उसे मारता है पर उसे ही दर्द होने लगता है और वहाँ पर गिर जाता है। मैकेनिक वहाँ पर आता है और अभी ठीक नहीं हो सकता है, कल ठीक होगा बोलता है। नेक्स्ट दिन डोंगमंग कांगसुन से युवेक के बारे में पूछ रहा था इसीलिए वो नंबर फेंकी थी, उसे उठाती है। चोई और डोंग ड्रिंक कर रहे थे। डोंग उसे तुम कब से कांगसुन के साथ में हो पूछता है। चोई बोलता है वो दोनों बहुत टाइम पहले से ही साथ में हैं। डोंग तुम्हारा स्कार्फ अच्छा नहीं है बोलता है। चोई ये तुम क्या बोल रहे हो, ये कांगसुन दी है बोलकर गुस्सा कर रहा है। उसकी मम्मी आकर जाओ डॉक्टर से पूछना उनकी डेट कब फिक्स करे बोलती है। वो जाता है और डोर खोलता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं थे, तभी वहाँ पर कांगसुन आ रही थी इसीलिए वो जाकर छुप जाता है। वो देखती है वहाँ पर कोई नहीं है इसीलिए युवेक का नंबर पर कॉल कर रही थी। चोई ये सब देखकर सेट था, युवेक सोया था। फिर वो कॉल उठाता है और कौन हो पूछता है, फिर नंबर देखकर कांगसुन हो पूछता है पर वो फोन रखती है और चली जाती है। युवेक उसे दोबारा कॉल करता है, चोई आकर उठाता है और वो चोई है बोलता है। युवेक क्या हुआ पूछता है तो वो नामजो यहाँ पर आया है और तुम्हारे लिए वरीड है बोलता है और फोन रख देता है। युवेक बहुत सेट था, कांगसुन अकेली थी और वो अब क्या करेगी सोचकर रोने लगती है। चोई उसे देख रहा था पर वो उसे नहीं देखा है बोलता है। फिर
वो जाकर उसे यहाँ पर क्या कर रही हो पूछ रहा था। और योबेक ठीक है सो उसके लिए तुम टेंशन मत लो बोलता है, पर वो रोने लगती है। इसीलिए वो जा रहा है बोलकर चला जाता है और घर आता है। डोंग तुम्हारा स्कार्फ कहाँ गया पूछ रहा था, कहीं ओल्ड फैशन था इसीलिए निकाल दिए, वो हाँ बोलता है और चला जाता है। उसके पापा क्या हुआ है सोच रहे थे और इधर चोई रो रहा था। अगले दिन सब शादी के लिए जा रहे थे। चोई नामजो से बोलता है वो टॉप स्टार से बात कर लिया है। नामजो कहाँ पर है पूछता है, पर उसे भी नहीं पता वो कहाँ पर है। कंगसुन और दादी रेडी होकर बाहर निकलते हैं, सब दादी की तारीफ कर रहे थे। फिर वो सब वहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट दिन योबिक जिस होटल पर रुका था वहाँ काम करने वाले यहाँ से साइड होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर शादी होने वाली है। वो जाता है और रिसेप्शन पर जाकर यहाँ शादी होने वाली है तो सब गेस्ट डिस्टर्ब होंगे बोलता है, पर वो बोलने के लिए भूल गए थे बोलते हैं। योबे गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। वहाँ पर कांगसुन आती है पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। कांगसुन शादी की ड्रेस और फ्लावर लेने के लिए आई और थी। कौन इतना चिल्ला कर गया पूछ रही थी, पर वो कोई बात नहीं बोलते हैं। कांगसुन उसे मिलकर बात करेगी बोलती है, वो बोलने वाले थे तभी उसे बुलाने के लिए आते हैं, वो चली जाती है। आईलैंड के रहने वाले सब वहाँ पर आए थे। वहाँ पर पार्क और उसकी वाइफ आते हैं, पार्क उसे सरप्राइज देने वाला था और आज उनकी शादी थी। दोनों रेडी होकर आते हैं। टीचर डॉक्टर को देख रहे थे पर वो उन्हें नहीं देखते। वहाँ पर सब बहुत खुश थे। वहाँ पर नामजो उनके लिए सॉन्ग गाता है, पर कांगसुन बहुत सैड थी। चोई कांगसुन को देखकर सैड हो रहा था। अंदर योबेक था और सब फोटो क्लिक करवा रहे थे। पार्क और उसकी वाइफ ड्रेस चेंज करने के लिए जा रहे और चोई और कांगसुन को साथ में फोटो लेने के लिए बोलते हैं और चले जाते हैं। फोटोग्राफर दोनों को पास आने के लिए बोलते हैं। नीचे आवाज सुनकर योबेक देखने के लिए जाता है। दोनों को देखकर शादी कर लिए हैं सोच रहा था। चोई भी उसे देखता है। योबेक बहुत सेट था और वहाँ से चला जाता है और दोनों के बारे में सोच रहा था और इधर चोई भी बहुत सेट था, वो अब क्या करेगा सोच रहा था। वहाँ पर कांगसुन आती है और उसे स्कार्फ पहना देती है। चोई बोलता है तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, सो पीछे चली जाओ और सही डायरेक्शन में जाओ। तुम पागल हो इसलिए अपना ड्रीम भी पूरा नहीं की, और वो गिव अप कर रहा है बोलकर उसकी रिंग निकाल देता पर है। कांगसुन तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, और वो खुश से बोल रही थी, पर दोनों बहुत सेट थे। कांगसुन रोने लगती है। चोई हमेशा उसके साथ में रहेगा बोलकर चला जाता है। कांगसुन रो रही थी और सॉरी बोल रही थी। नेक्स्ट दिन नामजो कांगसुन को देखता है, वो रो रो कर जा रही थी। वो उसे रोकता है और तुम्हें क्या हुआ है पूछता है। वो योबेक से मिलना चाहती है और उसे मिस करती है बोलती है। नामजो को भी नहीं पता वो कहाँ पर है। कांगसुन उसका वेट करेगी बोलती है तो नामजो उसे अपने साथ ले जाता है और इधर चोई बहुत सैड था। तभी उसके पापा आते हैं और कांगसुन कहाँ है पूछते हैं। वो रोने लगता है तो वो समझ जाते हैं और ठीक है बोलते हैं। उसके पापा कांगसुन के लिए बहुत खुश थे क्योंकि वो भी उनकी बेटी है और उसे समझाते हैं। नेक्स्ट दिन योबेक दोनों के बारे में सोच रहा था, तभी उसे नामजो कॉल करता है पर वो नहीं उठा रहा। कांगसुन बहुत रो रही थी। योबेक के घर आते हैं पर वो वहाँ से चला जाता है। दोनों वहीं से गुजरते हैं पर देख नहीं पाते हैं। फिर उसे देखते हैं और कॉल करते हैं। फिर वो फोन उठाता है। नामजो उसे कंपनी के पास वाले पार्क पर आने के लिए बोलता है पर वो नहीं सुन रहा। नामजो और कांगसुन पार्क आते हैं। नामजो उसे कुछ पैसे देता है। वो अपनी ड्रेस उठाती है और रख रही थी, पर नामजो ये क्या कर रही है सोच रहा था, पर वो अपने पैंट पॉकेट में रख रही थी। फिर नामजो वहाँ से चला जाता है। योबे को याद आता है शादी में नामजो भी था और नामजो उसे पार्क आने के लिए बोला था, इसीलिए वो भी वापस जाता है। वहाँ पर कांगसुन वेट कर रही थी। योबे आता है और उसे ढूंढ रहा था। उसे देख लेता है और उसके पास जाता है। फिर शादी से नामजो तुम्हें किडनैप किया है पूछता है और गुस्सा हो रहा था। फिर वो चलो छोड़ दूंगा बोलता है, पर वो यहाँ आई है बोलती है। तुम कैसे बीमार हो गए पूछ रही थी और वो ठीक है कि नहीं देखना चाहती थी। योबेक और क्या पूछता है, उसे भी नहीं पता बोलती है। और तुम ठीक हो तो वो जा रही है बोलती और है। उसकी आज शादी नहीं थी बोलकर जा रही थी। योबेक उसे रोकता है, बस यहाँ पर जानने के लिए आई थी पूछता है। फिर वो उसके पास जाकर वो बहुत मिस किया और बहुत पसंद करता है बोलकर उसे किस करता और है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।